नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल मिस्टर एंड मिसेस राज। मैं हूं सचिन, आप सभी का अपना दोस्त। और इस वक्त आप सोच रहे होंगे कि यार ये तैयार वैर होके कहाँ जा रहा है। जैसा कि आप सबको, कुछ लोगों को पता चल ही चुका है कि मैं रेडी हो चुका हूँ। और रेडी होकर तैयार होकर मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ निक्कू और सुमित के जो मम्मी पापा हैं उनकी 25th एनिवर्सरी है, तो उस इवेंट में। वैसे हम लोग का कोई ऐसा प्लान नहीं था, लेकिन कुछ दिन पहले निक्कू का फिर मैसेज आया, फिर हमने सोचा कि जाएंगे, देखेंगे जो भी है। और क्योंकि और भी बहुत सारे काम थे, लेकिन फिर मैंने बोला कि नहीं, निक्की का फंक्शन है और पहली बार हम लोग जाएंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तो जाना भी जरूरी है। मनीषा भी रेडी हो चुकी है। मनीषा इधर आओ एक मिनट, कहाँ भाग जा रही हो। तो मनीषा का लुक देख सकते हो आप, बोल रहे कि मनीषा कैसी लग रही है। ठीक है, जो पहनना पहन लो। तो देख सकते हो आप मनीषा कितनी सुंदर लग रही हैं। और यहाँ पर मनीषा का लुक, ये मैं दूसरा साड़ी पहनने वाली थी लेकिन वो स्टिच भी नहीं हो पाया, इसलिए मुझे ये पहनना पड़ा। और ये साड़ी हमने ली हुई है अजमेरा रिटेल लखनऊ से। तो आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ कि ये बहुत सारे लोग पूछेंगे ना फिर कि कहाँ से लिया हुआ था। तो मेरा रिटेल की साड़ी है ये, आप देख सकते हो। और नंबर उनका डाल दूंगा वैसे डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको चाहिए होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं उनसे क्या चीज़ है। और यहाँ पे किट वगैरह सब लोग रेडी हो रहे हैं। और अमित भाई की मम्मी कह रही है अरे तो परियों की रानी आ गई। चलते हैं अभी सबका रिएक्शन लेते हैं, क्या है क्या नहीं है कैसे। तो यहाँ देखो किट्टो पूरा तैयारी करवा रही है कि एकदम मनीषा सबसे अच्छी लगे, कुछ भी करके एकदम मस्त। अच्छा, सोच रही हम जा नहीं रहे तो किट इसको कैसे भी भेज दे एकदम बढ़िया से। अमित भाई भी तैयार हैं, बेहतरीन। तो एक हाथ में चूड़ी एक हाथ में घड़ी, क्योंकि साड़ी के हिसाब से तो पहनेगी। हाँ चलो ठीक है, यहाँ तक पहनूंगी। मम्मी कैसी लग रही है मनीषा, एकदम परियों की रानी लग रही है। ये तुम्हारा एक नहीं पहन रहा है, बहुत अच्छी लग रही है। मनीषा लोग देखेंगे, सब मनीषा के देखेंगे, देखेंगे सब लोग। अरे मनीषा, ये मम्मी आजकल बहुत डायलॉग मार रही है। दिल्ली दिल्ली में रहकर मम्मी डायलॉग बाज हो गई पूरा, है ना। प्रॉपर ट्रेनिंग हो गया अमित भाई के पास। तो ये देखो मनीषा, अभी एक हाथ में घड़ी एक हाथ में छुरी। और अभी मेरा ये आप लोग ड्रेस देख चुके हैं, वैसे तो बहुत बार आप लोग देख चुके हैं, मनीषा का ही नया है। और अमित भाई भी यहाँ पर साथ में, तो हम लोग दोनों लोग एकदम मस्त। मुझे लोग किट्टो बोले कोट पैंट में लोगे, नहीं यार मैं थोड़ा सा डिफरेंट चलता हूँ, सचिन भाई मैं सेम सेम जैसे लगा। क्योंकि पिछली बार ये कोट पैंट पहना था, मैं कैजुअल में था, आज ये कैजुअल में मैं फॉर्मल में। साथ देना जरूरी है। तो हर तरह के लोग होने चाहिए ना पार्टी में, फिर अलग मजा आता है। अरे यहाँ पर किट्टो देखिए, किट्टो ये क्या कर रही है, इसका नाम अच्छा लगता है किट्टो ये। अंकित, ना अंकित ना जी है, का कर रहा था ये, सब सजावा था ये। हे व्हाट यू डूइंग, हे लेडी, ये प्रमोशन के लिए आ जाता है। कैन यू स्पीक इन इंग्लिश, कैन यू स्पीक इन इंग्लिश, जस्ट टू लाइंस। आपका तो इंग्लिश गया। चलो मम्मी से इंग्लिश बुलवाते हैं। आपकी मम्मी कौन थी, आप तो वीडियो में देख रहे थे आपकी मम्मी किसी ने चार चार से इंग्लिश। हे मॉम हाउ आर यू, बोलिए आई एम फाइन। हम ना बोल, अरे हम सुने तो, हम जब कहा था ही, वो बोलिए आई एम फाइन। सचिन भाई भी बोला, अरे बोल रही मम्मी, अरे मम्मी बोल रही है, बोलिए मम्मी आई एम फाइन। ऐसे आपकी मम्मी आपसे परेशान थी, देख रहे ना, एक बार मम्मी बोलेंगी नहीं, रहेगी कोई बोलिए नहीं पाएंगी, एकदम बोल देंगे, बोलिए। हम नहीं बोल पाएंगे, सुनिए हम बता रहे क्या बोलना है। आई एम फाइन बोलिए। ए अमित भाई बुलवा यार, अच्छा एक तीन लाइन बस, आई एम 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 फाइन फाइन। हाँ मम्मी एकदम एक्सपर्ट है, झूठों का लोग कहते हैं कि नहीं बोल पाएंगे, क्या है टफ कुछ ही नहीं है। यहाँ पर देखो ये डब्बा डब्बा, जो तुम ब्लू क्यों लगा ली, ब्लैक में मिल नहीं रहा है जल्दी जल्दी। किट्टू ये के पास भी नहीं है, मेरे पास है लाइव, ये ढक्कन ना उठाइए बड़े नीचे से। आप हो आप नहीं, जैसे ढक्कन दे, इस ढक्कन को एक आइस तोप का सलाम। ये ढक्कन आई देख रहे मम्मी, ढक्कन कैसे रखी है, आई फट गया है जी, छोड़ो इसको बाहर निकाल दिया जाए। तो इसको इसी में तो रखे हैं, इसको ऐसे पैक कर दो उल्टा, इसीलिए इसमें रखे हैं इसको ना। चलो ठीक है, लो नीचे से उठाया है। ए भाई तो दो हाथ से उठाना पड़ेगा इसको, मुझे ब्लैक नील पेंट अच्छा लगता है।
सो गाइस अब फाइनली हम लोग निकलने के लिए तैयारी कर रहे हैं और गिफ्ट वगैरह भी जो भी है ये हमने ले लिया है और भी कुछ गिफ्ट है तो वो आपको दिखेगा है ना। और किट्टो यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है चलो गाइस चलते हैं अब यहाँ से निकलते हैं हम लोग फाइनली। क्लच में रख लो उसको, ये ले लो, नहीं गाड़ी में रख लेंगे ना, ऐसे लेके जाएंगे क्या लग रहा है बाजार से आए हैं अभी झूरा भरो, नहीं नहीं चलो ऐसे ही ठीक है। चलो गाइस अब निकल रहे हैं यहाँ से फाइनली, बहुत लेट हो गया, निकल ही नहीं पा रहे हैं लोग उस टाइम से। सो गाइस अब यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग फाइनली, देखो अब पार्टी में वेन्यू पहुंचते हैं और वहाँ का देखते हैं वहाँ का क्या सीन है। टीवी में चल चुका है वंदना दीदी का व्लॉग और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं लेकिन पता नहीं कितना टाइम लगेगा। अरे बाप रे अमित भाई तो लग रहा तोप उठा लिए। तो दोस्तों अमित भाई के रूप में हम भी चिल्लाने लगे हैं और अभी आ गए लोग, अभी आ गए लोग, हेलो गाइस। तो हम लोग निकल रहे हैं फाइनली गाइस और काफी लेट हो गया, वैसे हम लोग कभी भी टाइम पे जाने की कोशिश करते हैं लेट हो जाते हैं और जहाँ लेट से सोचते हैं वहां पहले ही निकलना पड़ता है। तो अब निकल रहे हैं यहाँ से वेन्यू के लिए, थोड़ी देर में सब लोग वहां पहुंच जाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा, आप लोग बने रहो बस। वैसे वेन्यू वाला जो पार्ट है वो तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे, फिलहाल अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है आप लोग बस बने रहो। कोई नहीं पैर झाड़ के अंदर घुसना गाड़ी में पहले बता दे रहा क्योंकि ना निकाल देते हैं गाड़ी में ना पूरा स्टॉक रखा हुआ है। सो एवरीवन अब हम लोग निकल चुके हैं, फिलहाल जो डिस्टेंस है वो लगभग 11 किलोमीटर था अमित भाई के घर से और होपफुली हम लोग टाइमली पहुंच जाएंगे। एक बात कुछ भी कहे कोई, एक बात तो है मतलब जो सूट वगैरह पहन के वो आता है ना लुक, मतलब कोट पैंट वगैरह में वो बिल्कुल अलग ही नेक्स्ट लेवल का होता है। सनरूफ निकाल देते हैं मतलब खोल देते हैं, कोट पैंट का अपना एक अलग, कोट पैंट का एक अलग अपना। और सचिन भाई का हमारे यहाँ रुकने का मेन मकसद ये था क्योंकि हमारे घर से बिल्कुल नियर बाई था जहाँ पे फंक्शन है इवेंट है, मतलब 10-11 किलोमीटर का था। हम लोग तो कल रात को ही आए थे और अब उस मतलब कुछ लोग उस पे भी कमेंट करने लगे कि आप अमित भाई के यहाँ ये आके रुक जाता है, अमित भाई क्या नहीं आएंगे तो किसके यहाँ जाएंगे, वो कर देता है भाई अपने मन से रुकते हैं, जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ रुकते हैं। भाई क्या दिल्ली में मेरे व्यूअर्स में ही मेरे को आप लोग उनको भी पता होगा कि यहाँ पर कितने लोग मेरे कनेक्टेड वाले रहते हैं लेकिन वो बहुत कम, अभी बहुत सारे घर हैं मेरे को यहाँ दुख नहीं है। दिल्ली में तो मतलब इतना है कि दिल्ली के अभी जहाँ अमित भाई घर वहाँ के उनको तो बुलाया है कितनी बार, ये तो चले जाते थे रानी जी के पास कभी किसी पास कभी किसी दीदी के पास, अभी रिलेटिव मेरे इतने अमित भाई आए थे जाते केक वेक खाते, मैंने बोला भैया आ जाओ हमारे भी घर, आ जाओ हमारे भी घर आ जाओ, 75 बार बुला लो तो एक बार आते ही है। उसका ये नहीं है, अपना जहाँ मन होगा जहाँ जैसे होगा वैसे रहेंगे और अमित भाई का घर और मेरा घर अलग नहीं है, इनका भी घर अम्बाला में है हमारा भी घर दिल्ली में, ऐसा कुछ ही नहीं है, हम लोग का एक ही है। तो आप लोग थोड़ा डिफरेंशिएट ना करो, अलग अलग ना करो क्योंकि हम लोग दिल से कनेक्टेड होते हैं, हम लोग दिलदार आदमी सोचने लगते हैं। अमित का घर किट्टो का घर हम लोग सब एक फैमिली है बिल्कुल, वी आर जस्ट लाइक अ फैमिली और हम लोग है फैमिली नॉट बाई ब्लड बट बाई भाई आते हैं, एक होता है ना घर के बेटे की तरह रहते हैं जैसे होता है और क्या, एक होता है रिश्तेदार वाली फीलिंग नहीं है, बोल देते हैं ये सब्जी नहीं खाएंगे वो सब्जी खाएंगे, वो कोई ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं, हम तो अपना मस्त घर की तरह बोलते हैं मम्मी ये मत करो वो मत करो, सचिन भाई तो अपने से उठा लाते हैं खाने के लिए उतना नहीं सोचते, हम बैठे रहते हैं आराम से मनीषा मनीषा सब जाके किचन घर की तरह रहते हैं यार। आप लोग ज्यादा वो मत किया करो इंटरप्ट इन चीजों में, कुछ लोग ही है 1-2% वैसे इट हार्डली अफेक्ट्स टू अस बट स्टिल हम लोग कोशिश करते हैं कि सब लोग समझे सिचुएशन, मस्त रहो आप लोग भी मस्त रहो, अपने रिलेशंस ऐसे बनाओ कि आप लोग कहीं जाओ मुंह उठा करके तो आपको अच्छा लगे, अपनी शक्ल वैसे बनाओ। कुछ लोगों को मैं बोलना चाहूंगा खास करके जिन लोगों ने कमेंट करा हुआ था, मैं पढ़ लिया था पता है कमेंट हुआ, लोग होते हैं। एनीवेज चलो चलते हैं अब यार पहुंचते हैं वेन्यू पे, मूड ठीक रखते हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग वेन्यू पे पहुंच चुके हैं, यही है वेन्यू और एंड करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और गाइस वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब झमाझम करें और गाइस जो लोग चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आपसे भी अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, साइनिंग ऑफ फ्रॉम कहाँ गाजियाबाद, खुश रहे सब लोग खुश रहिए।